हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू वीक, इट्स अ न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सबको दिल से थैंक यू फॉर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो तुम लोगों ने हम लोग को इयॉन वाले व्लॉग में दिया है। कमेंट्स पढ़ के वी आर रियली हैप्पी कि हम लोग कुछ अच्छा आपको दिखा पा रहे हैं और अच्छा कुछ काम कर पा रहे हैं, इसके लिए रियली थैंकफुल। आज के व्लॉग में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वैसे इयॉन के व्लॉग के साथ जैसे रिस्टोरेशन इयॉन का हुआ है, वैसे काफ़ी सारे व्लॉग शेड्यूल है। आज का व्लॉग स्पेसिफिकली एक मैकेनिकल एंड बॉडी शॉप रिलेटेड व्लॉग होगा। तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं एंडेवर लेने के लिए। एंडेवर जो है वो आई है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, वो अभी हम लोगों के पास आई है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है एंड लेट्स गो, जस्ट टेक दैट कार। सो जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज द आइकॉनिक एंडेवर, जो टू वेरी ऑनेस्ट आई ऑल्सो लव दिस कार, अमेजिंग कार। काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हाट इट गेव वाज अमेजिंग। एंड अभी अगर आप देख सकते हैं तो ये गाड़ी जो है पूरी स्टॉल कंडीशन में आई है। गाड़ी चालू होती है क्या? होती है, बट हिलती है क्या? नहीं हिलती। तो हम लोगों ने उसका डायग्नोस किया। तो अभी अगर आप देख रहे हो, दिस इज योर क्राउन पिनियन विच इज इन योर डिफरेंशियल। तो ये हम लोगों को सस्पेक्ट हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आप देख सकते हो अभी ऑयल जो है, ऑयल में जो चमकने वाला पार्ट है दैट इज बरी, बर बोलते हैं हम लोग मराठी में। सो दैट इज व्हाट, दैट इज पार्टिकल्स। किस चीज़ के पार्टिकल्स है? जो अंदर के पार्ट्स है वो घिस के जो भी फ्रैक्शन से पार्ट्स गिरते हैं, मेटल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड बरी हम लोग मराठी में। तो दैट इज इट। तो हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम जो था दैट वाज, इसका फर्स्ट गियर डालो, रिवर्स गियर डालो, गाड़ी हिलती ही नहीं थी। हैंड ब्रेक रिलीज करो, कुछ भी करो, बट कुछ नहीं होता था। तो हम लोगों ने उसका डिफरेंशियल खोला, डिफरेंशियल खोला तो हम लोगों को दिखा कि वो बर वगैरह में गंदगी निकली है। प्लस अपने जो क्राउन पिनियन दिखा उसमें एक होल था, वो होल जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो वो भी डैमेज हो गया था, तो हम लोगों ने वो भी डायग्नोस किया। बट ये इतना सा छोटू सा चीज़, अभी ये क्यों हुआ आपको पता है? ये हुआ है क्योंकि इसका ऑयल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया गया। आपका ऑयल जो है फॉर अ डिफरेंशियल शुड गेट चेंजेस इन 80,000 किलोमीटर्स बाय हुक और बाय क्रूक। इससे कोई कंफर्म प्रॉब्लम होगा क्या? आई डोंट गारंटी दैट। बट अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो इसकी वजह से होगा क्या? 100% हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा वो ऑयल चेंज नहीं हुआ था टाइम टू टाइम, तो इसकी वजह से वो फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से इतना काम बढ़ गया। अभी ये काम बढ़ने की वजह से क्या क्या चेंज करना पड़ा आपको बताता हूँ। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का हाउसिंग, दोनों एक्सल के बेयरिंग, ऑयल सील, उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से व्हील सिलेंडर और व्हील लाइनर पे भी इफेक्ट आया, वो भी चेंज करना पड़ा। उसके अलावा जो ईबीएस का सेंसर है वहाँ तक का उसका इफेक्ट गया था कि वो बर वहाँ तक पहुँची, उसको फ्रिक्शन में जो ईबीएस का सेंसर है वो वेयर आउट हो गया, तो ईबीएस का सेंसर भी चेंज करना पड़ा। तो इतनी सारी चेंजेस करने पड़े जस्ट बिकॉज 80,000 किलोमीटर पे ऑयल नहीं चेंज किया था। अब ये मैकेनिकल वर्क करते करते हम लोगों को प्रोल मिला है बॉडी शॉप का, तो बॉडी शॉप का काम चल रहा है, ज़्यादा नहीं, उसके शायद से 4 से 5 पैनल्स हम लोगों ने पेंट किए हुए हैं। गाड़ी काफ़ी बुरी कंडीशन में जो आई थी, जो आपने देखा था, तो हम लोगों ने उसको रिपेयर किया है एंड वी जस्ट गेटिंग इट पेंटेड एंड एंजॉय द शॉट्स। जैसे आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में अगर काम करने लायक था, क्योंकि फर्स्ट जब गाड़ी आई तभी गाड़ी वैसे ज़्यादा डैमेज नहीं थी, डेंटिंग वगैरह काम नहीं था, बट हम लोग को पेंट करनी पड़ी बिकॉज ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग। बर्ड ड्रॉपिंग्स भी गाड़ी की काफ़ी गाड़ी को है ना, जो ये अफेक्ट करता है, और अफेक्ट करने के बाद हम लोग को उसका पेंट क्वालिटी काफ़ी डिफर हो जाता है। जैसे आप क्लीन करोगे तो यू कैन सी कि उसके ऊपर कुछ तो गिरा हुआ था, सो वी हैड टू गेट इट पेंटेड। कस्टमर ने हम लोग की जस्ट एक गाड़ी जो पेंट हो रही थी वो देखी एंड उनको पसंद आई, तो उन्होंने उसके अप्रोच दे दिए। बट
इन फ्यूचर यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आपके पता है कि आपके एरिया में काफ़ी ये प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे आपकी गाड़ी जो है वो साफ नहीं रह पाती है, तो बर्ड ड्रॉपिंग्स हो गए, ये हो गया, तो उसके लिए सिरेमिक कोटिंग्स, PPFs, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है ताकि आपको एक्स्ट्रा खर्चा बाद में ना करना पड़े। ठीक है, डेफिनेटली इट हैज सम बेनिफिट्स एंड यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। एंड उसके बाद अभी हम लोगों ने गाड़ी जो है डिटेलिंग में डाली है, डिटेलिंग करके अभी वो गाड़ी डिलीवर कर देंगे। Hope you guys like the video. अभी just गाड़ी हम लोगों ने deliver किया है and the kind of satisfaction जो हम लोगों को मिला है, क्योंकि mechanically जो गाड़ी strong करके दिए हैं, customer का काफ़ी सारा problem था जिसकी वजह से वो गाड़ी चला नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम लोगों का satisfaction है कि first of all we could serve the customer, second गाड़ी जो है amazingly perform कर रही है and he is happy। कभी उसका painting work वगैरह करके deliver कर दिया, गाड़ी नए जैसे दिख रही है, क्या condition में आई थी आपको भी पता है। आई होप यू गाइज लाइक द ब्लॉग। अभी इसमें Let's catch it up with one surprise. चलो आपके लिए सर, ये सेम गाड़ी, सेम मॉडल हम लोग के पास और एक है, और जो हम लोगों का इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है वो गाड़ी कौन से कलर की है। सो अगर आपको वो पता है प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके कमेंट्स देख के हम लोग को सेटिस्फेक्शन भी होता है एंड लेट्स जस्ट सी कि कितने लोग राइट गेस करते हैं और उसके ऊपर कुछ हम लोग प्लान करेंगे। बट कमेंट डाउन बिलो कि वो एंडेवर कौन से कलर की है, जो पार्ट टू में हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट व्लॉग जो है हम लोगों का एक दो तीन टाइम के बाद हम लोग डालेंगे। बट तब तक का योर कमेंट बॉक्स इज ओपन, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, फील फ्री टू पुट इन एनी कलर यू वॉन्ट, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट एज मच एज यू वॉन्ट। आपके फीडबैक्स आते रहे, आपके कमेंट्स आते रहे, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। एंड प्लीज लाइक आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर डेली सच वीडियोज एंड उसके बाद आपको लेटेस्ट Evion वाला ब्लॉग देखने के लिए यहाँ पे देखिए। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू, होप टू मीट यू नेक्स्ट वीक।